Hi, good morning friends, welcome back to my channel. Today हम लोग आज जा रहे हैं एक डैम पे, जस्ट शॉर्ट राइड 72 किलोमीटर आई थिंक टुवार्ड्स चाकन इन इट्स इन जुन्नर. सो संदीप यहीं पे आए हुए हैं, सो विल मीट हेयर एंड विल स्टार्ट. हम लोग ने मीटिंग पॉइंट से स्टार्ट किया. मीटिंग पॉइंट मेरे घर के पास ही था, बट समहाउ आज मैं थोड़ा लेट हो गया था. सो यहाँ से जुन्नर जाएंगे एंड जुन्नर से मतलब थोड़ा अपोजिट रूट है, बट दैट्स द बेस्ट वे. शिवराजी फोर्ट के सामने से होते हुए ये डैम को जाएंगे. डैम का नाम लिंक में डाल दूंगा. डैम का नाम है वड़ज डैम, वड़ज WADAJ. यहाँ पुणे में आसपास में जितने भी डैम हैं सबको मैं कवर कर चुका हूँ ऑलमोस्ट. तो कल हमने मैप में ढूंढा कि कहाँ जाना है कहाँ जाना है, तो ढूंढ ढूंढ के प्लेस निकाला है फॉर शॉर्ट राइड. लेट्स सी. तो हम लोग ने ये नासिक हाईवे पे स्टार्ट किया है, ये गोइंग टू टुवार्ड्स चाकन. चाकन से राजगुरुनगर, राजगुरुनगर से मंचर होते हुए जुन्नर जाएंगे, जुन्नर से फिर वो डैम. सुबह सुबह बहुत ट्रैफिक है इस रोड पे, हमेशा ही रहता है एक्चुअली, क्योंकि ये रास्ता नासिक को जाता है एंड वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट इन पुणे. जब ऐसे बाइक ट्रिप पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको हाई करते हैं, जैसे डिफरेंट ग्रुप के बाइकर्स हैं, या फिर कभी गांव में गए तो छोटे बच्चे होते हैं जो हाई करते हैं, तो अच्छा लगता है. अभी कुछ देर पहले दो बाइकर थे आगे चले गए, उन्होंने हाई किया. समहाउ उस समय मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, तो इट वॉज नॉट कैप्चर्ड. मैंने भी रिटर्न में हाई किया, इट्स अ गुड गेस्चर. मौसम एकदम शानदार हो रहा है, हल्की हल्की सी ठंड है, हल्का हल्का सा फॉग है एंड चाकन के बाद कोई ट्रैफिक भी नहीं है. रोड्स आर सुपर्ब, सो ड्राइविंग का मज़ा ले रहा हूँ, आप भी लीजिए. तो हम लोग नारायण गांव पहुंच चुके हैं, जिसे ये इज कॉल्ड नारायण गांव. आपको मालचेज घाट जाना हो देन दिस इज द सेम रूट,
हम लोग जुन्नर पहुंच गए हैं, तो अभी आगे जो भी चौराहा आएगा वहां से लेफ्ट लेंगे। तो आपको जब मालशेज घाट जाना हो तो ये सेम रूट है, जुन्नर आपको क्रॉस करना पड़ता है, जहां से हमने अभी लेफ्ट लेंगे वहां से आपको सीधा जाना है इफ़ यू वांट टू गो टू मालशेज घाट। देखिए ये चौराहा आ गया है, तो यहाँ से सीधा जाएंगे तो मालशेज घाट की तरफ चले जाएंगे एंड हम लोग ले रहे हैं लेफ्ट। राइट साइड में ये जो माउंटेन दिख रहा है इसके ऊपर है शिवनेरी फोर्ट। यहाँ भी कभी कवर करेंगे, कभी तो जाएंगे, कार से आना पड़ेगा क्योंकि राइडिंग गियर्स के साथ ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं है। हम लोग ये गलत लोकेशन पे आ गए। वी आर गोइंग टू दैट पिकनिक पॉइंट, दिस डैम व्यू पिकनिक पॉइंट, सो लेट्स सी। So this is Vadas Dam picnic view point. So let's see ये कैसा है। Okay, last time तो location गलत हो गया था, तो वो किसी के घर के सामने से निकल के एक just dam का पानी का किनारा था। But if you're planning to come here, then you should look for this Vadas Dam picnic view point. Yeah, this is the correct location. ये जगह अच्छी है, ये पेड़ के पास में फोटो था लोगों का। सी द व्यू गाइस, ऑसम व्यू। यहाँ पे आप बाइक एंड कार दोनों से पानी तक आ सकते हैं आप। दिस इज वडस डैम, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
तो हम लोग यहाँ बाइक तक लेके आ गए हैं, यहाँ तक ही संदीप। सो दिस वॉज बोडस डैम पिकनिक व्यू पॉइंट। यहाँ पे हाफ डे पिकनिक के लिए आ सकते हैं, कार एंड बाइक दोनों पानी के पास तक जाते हैं, तो नो इशू। रोड्स आर गुड, सो यू कैन प्लान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।